बिल्कुल शीश महल जैसा है दोस्तों। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं मध्यम ग्राम में एक खूबसूरत पंडाल। अभी हम मम्मी की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं मध्यम ग्राम में। पति पत्नी साथ रहकर भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर कोलकाता भव्य काली पूजा पंडालों की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। आपको भारत दर्शन ब्लॉग की तरफ से काली पूजा की, लक्ष्मी पूजा, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कोलकाता की यात्रा करने के बाद कोलकाता हावड़ा ब्रिज, प्रिंसेप घाट, विक्टोरिया मेमोरियल, न्यू टाउन, अब हम सियालदह रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और आपको यहाँ से भव्य काली पूजा आपको दिखाने वाले हैं, भव्य पंडाल आपको दिखाने वाले हैं। जिस तरह से दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल बनाए जाते हैं पर्टिकुलर थीम पर, उसी प्रकार काली पूजा में भी भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां स्थापित की जाती हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार कोलकाता का दुर्गा पूजा फेमस है, जगधात्री पूजा चंदन नगर का फेमस है, 12/7 का काली पूजा फेमस है दोस्तों। तो यहाँ सियालदह से हम 12/7 चलेंगे, मध्यम ग्राम चलेंगे, दोनों जगह बहुत ही भव्य पंडाल बनाए जाते हैं विशेष थीम पर, विशेष मैसेज के साथ। तो चलिए भव्य अद्भुत शानदार काली पूजा पंडालों की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। और ये हमारी ट्रेन खड़ी है 12/7 के लिए, मध्यम ग्राम भी ये ट्रेन जाएगी। यहाँ से 17 किलोमीटर है मध्यम ग्राम। दोस्तों अब हम मध्यम ग्राम आ चुके हैं, सामने आप देख रहे हैं लाइटिंग्स, और यहाँ से हम काली पूजा पंडालों की यात्रा शुरू करेंगे मध्यम ग्राम की। यहाँ पर आपको मध्यम ग्राम में शीश महल देखने को मिलेगा पंडाल के रूप में। एक से एक बेहतरीन आर्ट कल्चर, बंगाली कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज रात में हम टॉप 5 पूजा पंडाल दिखाएंगे और उसके बाद हम 12/7 चलेंगे और वहाँ का पंडाल आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्यम ग्राम का सबसे खूबसूरत काली पूजा पंडाल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुभाषपल्ली, रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है और जैसे पंडाल के अंदर आप जाएंगे तो बिल्कुल शीश महल जैसा नजारा है दोस्तों। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत भगवान शिव की प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में, और पंडाल भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। वाओ, गजब, जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि हम शीश महल में आ गए हूँ, इतना खूबसूरत काली पूजा पंडाल। बिल्कुल शीश महल जैसा है दोस्तों, गजब की खूबसूरती है। और सामने आप देखिए माँ काली। और बिल्कुल सामने देखिए दोस्तों मध्यम ग्राम का एक और खूबसूरत पंडाल।
चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत शानदार जबरदस्त आर्ट का नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस पंडाल में। और दोस्तों अब आप देखिए मध्यम ग्राम का एक और खूबसूरत पंडाल। एक से एक बेहतरीन पंडाल यहां पर बनाए गए हैं दोस्तों। गजब दोस्तों, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं मध्यम ग्राम में एक खूबसूरत पंडाल नवोदय संघ। इसमें बंगाली पेंटिंग को दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर चीज पर पेंटिंग्स को उकेरा गया है, यही इस पंडाल की खूबसूरती है। यहाँ तक कि जो आईना है उस पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है, जो बैठने वाला पीढ़ा होता है उस पर भी पेंटिंग्स है, जो झोला यूज करने वाला घरेलू सामान उस पर भी पेंटिंग्स है। तो हर चीज पर आपको यहाँ पर पेंटिंग्स नजर आएगा। बंगाली पेंटिंग्स को अद्भुत तरीके से दिखाया गया है इस पंडाल में। और अभी हम यहाँ कमेटी के मेंबर से बात करेंगे और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो क्लब का नाम बता दें, क्लब है नवोदय संघ। ये हम लोगों का 50th साल का पूजा है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना मेन थीम रखा है वो मेन थीम है जिसको बंगाली में बोलते हैं ऐतिह्य बेचे था, जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को अलाइव रखने के लिए वही एक थीम हम लोगों ने गए। मेन थीम जो है इसको बंगाल का पोटो चित्रों कहा जाता है। जो इनिशियली लेवल पे हम लोग जो देखते थे जो क्ले के ऊपर खाली आता था, क्ले के ऊपर ये लोग करते थे और ये बंगाल का कोना कोना में रहता है। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत कलाकृति यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं। कितना मेहनत लगा होगा इस पंडाल को बनाने में। अद्भुत, और बिल्कुल सामने आप माँ काली का दर्शन कीजिए। अभी हम मम्मी की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं मध्यम ग्राम में। मिस्र के पिरामिड में हम पहुंच चुके हैं। आपको हर जगह आपको यहां पर पिरामिड देखने को मिलेंगे, मम्मी देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत पंडाल, काली पूजा पंडाल। और पिरामिड के शेप में ही पंडाल यहां पर बनाया गया है जिसमें काली माँ की स्थापना की गई है। अंदर में आप देख रहे हैं मम्मी का शेप बनाया गया है
तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप मम्मी की दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल ओरिजिनली यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया है मिस्र पिरामिड का, मम्मी का। और इस पंडाल के अंदर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप मरुस्थल में आ चुके हैं। चारों तरफ बालू ही बालू आपको नजर आएंगे, ऊंट ऊंट नजर आएंगे। दोस्तों मध्यम ग्राम में इजिप्ट का पिरामिड दिखाने के बाद एक और बेहतरीन पंडाल आपको दिखाने जा रहे हैं, ऋषि अरबिंदो काली पूजा सेवा समिति। बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे, अंदर चल करके आपको दिखाते हैं। वाओ, अद्भुत, बहुत ही शानदार ये पंडाल आप देख रहे हैं, ऋषि अरबिंदो काली पूजा समिति का। और इस पंडाल का थीम है दोस्तों वेलकम, स्वागतम। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है और माँ के अलग अलग रूप को यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर में, कलाकृति में। बहुत ही खूबसूरत आर्ट का इस्तेमाल किया गया है इस पंडाल को बनाने में दोस्तों। चलिए पंडाल के अंदर चलते हैं। जय माँ भगवती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा को भी माँ के किनारे किनारे रखा गया है। आखिर क्यों, इसका रहस्य भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा ने पति पत्नी के रूप में दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया पवित्रता का, शील का, धर्म का, जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। पति पत्नी साथ रहकर भी पवित्र जीवन जी सकते हैं, धर्म का जीवन जी सकते हैं, ये आपको शारदा और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि आज शारदा की माँ के रूप में पूजा होती है और रामकृष्ण परमहंस की भगवान के रूप में पूजा होती है।